हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विथ मी में। आज यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी पीसीएल और एसएससी से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो देखिए, यहाँ पर यूपी पीसीएल और एसएससी जेई सीट अपडेट के साथ में यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यूपी पीसीएल में भी वैकेंसी के आसार यहाँ पर जल्द बन रहे हैं और एसएससी ने देखिए यहाँ पर सीटों की संख्या घटा दी है 2019 में, और एसएससी एग्जाम सिटी जो अपडेट है वो अब शो होने लगा है और जल्द ही यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड इसके लिए जारी किया जाने वाला है। और देखिए, जो हम लोग का ट्विटर अभियान चल रहा है और हमारे सहयोगी बाल मुकुंद जी के भी द्वारा इसको बार बार जो है इसको आप लोगों से आग्रह किया जा रहा है, तो उसको यहाँ पर जो है कि ट्वीट आप लोग यहाँ पर लगातार जारी रखिए, तो जैसे कि जिससे कि जल्द से जल्द यहाँ पर वैकेंसी हम लोग को देखने को मिल सकती है। और देखिए, यहाँ पर जो आगे खबर है उसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, अवधेश कुमार वर्मा जी के द्वारा यहाँ पर ट्वीट किया गया है, जो कि यहाँ पर देखिए अध्यक्ष हैं उपभोक्ता परिषद के। देखिए, प्रदेश के लगभग 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की उपभोक्ता सेवा उपलब्ध कराने के लिए बिजली कंपनियों में तकनीकी स्टाफ जैसे कि TG2 अवर अभियंता, सहायक अभियंता, लेखाकार व कार्मिकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जो कि श्रीकांत शर्मा जी हैं से यहाँ पर देखिए मुलाकात की और सौंपा लोक महत्व जनहित प्रस्ताव। और ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी ने उपभोक्ता परिषद के प्रस्ताव पर तुरंत अपर मुख्य सचिव ऊर्जा व चेयरमैन पावर कॉरपोरेशन को जारी किया लिखित निर्देश और उपभोक्ता हित में तत्काल आवश्यक कदम उठाते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और देखिए, वर्तमान में पूरे प्रदेश में लगभग 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं तक जो पहुंचने को है और जिनकी गुणवत्ता उच्च रखने के लिए यहाँ पर उपभोक्ता सेवा प्रदान करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर मैन पावर जो कि अधिक से अधिक हो, जो रिक्त पद हैं उनको यहाँ पर जल्द से जल्द भरा जाए, जिससे कि जो सरकार की मंशा है कि 24 घंटे बिजली शहरों में और जो 18 घंटे जो बिजली है वो गांव में यहाँ पर सुचारू रूप से यहाँ पर सतत बिजली बनी रहे सप्लाई, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर बिना मैन पावर के ऐसा कुछ संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसके जो उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं इनके द्वारा सौंपे ज्ञापन पर ऊर्जा मंत्री देखिए यहाँ पर तत्काल कार्रवाई की है और मुख्य सचिव ऊर्जा और चेयरमैन पावर कॉरपोरेशन को तत्काल यहाँ पर देखिए तलब करते हुए उनको यहाँ पर देखिए निर्देशित किया है जो भी रिक्त पद हैं उसके संबंध में। और देखिए यहाँ पर कि भरे जाएंगे बिजली कंपनियों में रिक्त पद। देखिए, सूबे के 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए बिजली कंपनियों के रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस संबंध में देखिए, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा व पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार को यहाँ पर देखिए पत्र लिखा है। देश में देखिए 1000 उपभोक्ता पर 2.65 कार्मिक हैं, जिसमें तकनीकी व अन्य स्टाफ यहाँ पर शामिल हैं। प्रदेश में देखिए 40,000 कार्मिक ही हैं जो कि 1000 उपभोक्ता पर सिर्फ 1.34 ही हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि अपने जो भारत सरकार के यहाँ पर देखिए उसकी तुलना में यहाँ पर कितने उपभोक्ता जो कर्मचारी यहाँ पर कम हैं। तो इसको देखिए यहाँ पर देखकर आप मद्देनज़र लगा सकते हैं कि वैकेंसी कितने आने की हम लोगों की संभावना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर लगातार ट्वीट आप अपना जारी रखिए जो कि हाईटेक स्टाफ जो कि हाईटेक यहाँ पर स्पीकअप फॉर यूपी पीसीएल और यूपी अभियनल 4102 लाइनमैन और 2000 प्लस एजेई के लिए यहाँ पर जो ट्विटर ट्रेंड चल रहा है उसको आप लगातार यहाँ पर जारी रखिए, जिससे कि देखिए आगामी जो है हम लोगों को 1 से 2 महीने के अंदर यहाँ पर वैकेंसी जल्द से जल्द हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं हम लोग एग्ज़ाम की बात करें, यूपी पीसीएल TG2 के एग्ज़ाम की बात, तो यहाँ पर देखिए बार बार कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा। तो इसके लिए देखिए आपको बता दें कि इसके लिए यहाँ पर जल्दी देखिए जो ऑफिशियल आप जो कि इनकी वेबसाइट है उस पर लगातार आप विजिट करते रहिए, जो भी अपडेट्स है आपको वहीं से मिलने वाला है। बाकी ऐसे तो लोग केवल हवा हवाई बता देंगे कि 1 महीने 2 महीने बाद होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कि संभावना बन रही है, बहुत लोग कहे कि सर आप अपने हिसाब से ही बता दीजिए कि कब एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, जहाँ तक अपना अनुमान है कि 30 दिन के अंदर देखिए आपके एग्ज़ाम जो है 30 से 45 दिन के अंदर यहाँ पर एग्ज़ाम आपके निश्चित तौर पे करा लिए जाएंगे। वहीं देखिए यहाँ पर देखिए ऑफिशियल अपडेट के साथ देखिए यहाँ पर एसएससी ने इस पर आपको जो है कि यहाँ से जाकर ऑफिशियल अपडेट से आप इसको चेक कर सकते हैं। उनके एसएससी की ऑफिशियल साइट पे इसको अपलोड किया गया है कि कितनी सीटें हैं इस बार। तो देखिए यहाँ पर लगभग 887 सीटें ही हैं इस बार केवल टोटल, क्योंकि पिछली बार लगभग 1200 से 1500 के प्लस जो यहाँ पर सीटें थी, लेकिन इस बार सीटों की संख्या देखिए काफ़ी घटा दी गई है। वहीं देखिए BRO में देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें तो देखिए टोटल 32 सीटें हैं। वहीं देखिए BRO जो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 171 सीटें हैं टोटल। वहीं वाटर कमीशन में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें तो 2 सीटें हैं। वैसे ही सेंट्रल वाटर कमीशन जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो यहाँ पर देखिए 20 सीटें हैं। वहीं CPWD यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो देखिए यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर 23 सीटें हैं।
सॉरी ये सब यहाँ पर देखिए इतनी सीटें जो है कि यूआर की हैं। टोटल सीटों की गणना देखिए यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि देखिए टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर 80,417 और देखिए 50 वहीं 52। वहीं देखिए CPWD जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें देखिए यहाँ पर 273 सीटें हैं। वहीं देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की सीटें देखिए इसमें है डिफेंस में 3 सीटें हैं। वहीं देखिए मैकेनिकल की यहाँ पर देखिए 5 सीटें हैं और देखिए यहाँ पर NTRO में जूनियर इंजीनियर सिविल की देखिए यहाँ पर 3 सीटें हैं। टोटल लगभग देखिए 1000 से भी कम सीटें हैं इस बार देखिए सीटों की संख्या काफ़ी कम कर दी गई है, जो कि पिछली बार लगभग 1500 प्लस सीटें यहाँ पर थी SSC JEE में, लेकिन यहाँ पर देखिए इस बार सीटों की संख्या काफ़ी कम कर दी गई है। तो देखिए यहाँ पर UPPCL में भी देखिए सीटों की संभावना कितनी बनती है, तो यहाँ पर भी कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि UPPCL में भी इस बार देखिए यहाँ पर सीटों की संख्या कम हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।